हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसमें 15 जून को होने वाले इसके इम्पोर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स की बात करेंगे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 जून को यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पा रहा है और अभी 2660 से लेके 2620 के रेंज में फंसा हुआ है। आज यहाँ पे अच्छा खासा ये ऊपर गया था लेकिन लास्ट में ये नीचे की ओर अपने जो कल का सपोर्ट है और ये लॉन्ग टाइम से ये जो सपोर्ट चला आ रहा है इसका 2620 के आसपास, इसी के पास आके आज इसने क्लोजिंग दी है। और ये सपोर्ट जो है बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रखा है और इसीलिए वीक हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये 2620 के नीचे निकलेगा तो यहाँ से 50-60 रुपीज़ का टारगेट आराम से देगा। और ये हम लोग देख रहे हैं 2600-2580 का जो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है जो जिससे ये आके अभी फिल कर सकता है। और यहाँ पे 60 रुपीज़ का रेंज है, ठीक है, 40 रुपीज़ का रेंज है, तो अगर यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये 40 रुपीज़ हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा जितना ये गैप बनाया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें कल के लिए, तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो इसके लिए अभी जो यहाँ पे इसके लिए चुनौती है, जो अभी यहाँ पे जो इसके लिए हर्डल है वो है 2613 का। अगर ये 2613.8 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2600 का राउंड लेवल। एंड उसके बाद जो सेकेंड टारगेट हम लोग को यहाँ पे कल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2588 का। ठीक है, यहाँ पे दो टारगेट है हमारे पास नीचे की ओर, 2613 अगर ब्रेक करता है 2600 एंड 2588। लेकिन अगर ये इसमें अब बाइंग मोमेंटम कब आएगा, तो अभी लास्ट स्विंग इसने लगा रखा है 2640 का। ठीक है, उसके पहले का लास्ट स्विंग जो है वो है 2650 के आसपास। तो बाइंग मोमेंटम अगर ये 2640 को ब्रेक करेगा तभी आएगा, और उसके बाद जो ज़्यादा तेजी से मोमेंटम आएगा वो आएगा 2650 को ब्रेक करेगा तब। ठीक है, तो अभी ऊपर के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ पे ऊपर के लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2640 के ब्रेक होने के बाद। ठीक है, तो पहला टारगेट हम लोग को यहाँ पे ये 2654 का देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद का जो दूसरा टारगेट है हमारे लिए, ठीक है, वो हो जाएगा ये कैंडल 2664 का। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि अगर इसमें ये नीचे की ओर ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये इसमें नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम लोग को थोड़ा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा और 2680 जल्दी आ जाएगा, एक दो कैंडल में भी आ सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे ही 2613 मॉर्निंग में ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा एंड टाइम स्पेंड करने के बाद ये 2640 को ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो 2654 2664 का ऊपर की ओर लेवल देखने को मिलेगा। एंड इसको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा पीछे आके थोड़ा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो, आपको हेल्पफुल लग रही हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।